Hi there, I'm Shadab Khan. आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे करेक्ट प्रोनंसिएशंस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. आइए शुरू करते हैं. इंग्लिश में देर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में. आइए इन सभी लेटर्स का सही प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस करते हैं. मेरे साथ रिपीट करें. ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, जे, जे, के, के, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, वाई, जेड, जेड. तो ये है 26 लेटर्स. ये जो अल्फाबेट है इसे बहुत से लोग कहते हैं एच. इसका सही प्रोनंसिएशन है एच. अब जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर्स, उनमें कैपिटल लेटर्स होते हैं. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ए, बी, सी, ये कैपिटल लेटर्स हैं. और स्मॉल लेटर्स होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ए, बी, सी, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. अब इंग्लिश में 5 वावल होते हैं. देर आर 5 वावल्स. और वो वावल्स आप स्क्रीन पर देख सकेंगे. वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ये है 5 वावल्स. और इंग्लिश में देर आर 21 कॉन्सोनेंट्स. 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स. और वो कॉन्सोनेंट्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. वावल्स को छोड़कर जितने अल्फाबेट्स होते हैं, जितने लेटर्स होते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो ये था आज का हमारा वीडियो द इंग्लिश अल्फाबेट. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 26 लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक. वही 26 लेटर्स कैपिटल में भी होते हैं और स्मॉल में भी होते हैं. कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स. एच जो है उसे बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं. उसका सही प्रोनंसिएशन एच है. बहुत से लोग उसे एच कहते हैं. एच नहीं कहना है, एच कहना है. 5 वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. इन 5 लेटर्स को छोड़कर जितने लेटर्स बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. और वो 21 होते हैं. तो ये था आज का वीडियो. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें. बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.